Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the last lecture, we discussed periodic motion as well as oscillatory motion. As we know, that periodic motion is that motion which repeats after equal intervals of time. But there is no restriction of the path in the periodic motion. The path may be to and fro, our path may be circular. But in periodic motion, you have to remember that it should repeat after equal intervals of time. While as in oscillatory motion, the motion should repeat after equal intervals of time, and the motion should be to and fro. फिर हमने देखा और मैंने आपको कुछ examples भी quote की थी. Some examples of oscillatory motion and some examples of periodic motion. और हमने देखा कि every oscillatory motion, if there is no friction, if there is no damping, every oscillatory motion can be periodic. But every periodic motion cannot be oscillatory. ये तो हमने last lecture में पूरा देखा. अब हम पहुंच गए, क्योंकि हमने last lecture में आपको इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन दी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की. बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. आई रिपीट द पॉइंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिंपल हार्मोनिक मीन्स द मोशन विच रिपीट्स, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. और हमने लास्ट में देखा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसको कुछ कंडीशंस फॉलो होती है, एंड द रिक्वायर्ड कंडीशंस आर एस. पहली कंडीशन इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की होनी चाहिए, द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन. दैट मींस मोशन तो पीरियडिक है ही. इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन इज पीरियडिक. द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. व्हेन दिस मोशन, यू टेक एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस मोशन शुड बी टू एंड फ्रो बट ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सेकंड, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन. आई मीन टू से लाइन इज सी, इफ यू टेक this is some fixed point jisko aap kehte ho mean position. Okay, to ye ek point hai, ye dusra point hai jahan se motion wapas aati hai, yani repeat hoti hai. The acceleration is always directed towards a fixed point on the line. So if I consider this a fixed point, agar hum yahan pe dekhenge acceleration is direction mein hogi, अगर हम यहां पे देखेंगे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी. सो इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सेकंड कंडीशन इज द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जितना जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतनी ये एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी. गो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. नाउ सी, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. अगर मैं इसी वाले पॉइंट को लेता हूं, आप इसको बहुत अच्छी तरह बच्चों अंडरस्टैंड कर. चलिए मैंने लिया, दिस इज one point, this is another point, this I call as mean position, this I call as mean position. Dekhiye ji, as I told you that in SHM acceleration is always direct towards a fixed point. Agar aap ye wala point loge, chaliye ye wala point aur ye wala point. देखिए जी,
when the particle goes from this position to this position, okay, क्योंकि for every simple harmonic motion, for every oscillatory motion, we need a force. और वो फोर्स जो है वो कैसे लगता है, देखिए अगर हम स्टार्ट करेंगे यहां से, दिस इज द मेन पोजिशन, तो ये जा रहा है टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन, तो डेफिनेटली अगर इसको वापस आना है, इसको रिटर्न करना है, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज एन एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ फोर्स. That means for every SHM, for every oscillatory motion, there should be a force. Or wo force due to change in velocity ho raha hai. That is due to change in acceleration ho raha hai. Ab aap yahan pe point ek dekhiye. Agar humne liya this fixed point, this we call as main motion. Yahan pe ek point humne liya, dusra point yahan pe hai. Agar hum yahan pe lenge displacement iska, यहां पे डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव है इन दिस पोजिशन, बट एक्सेलरेशन, यू नो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. इस पॉइंट पे जाइए, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट, सो हियर एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. देखिए कितना बढ़िया पॉइंट यहां से निकला यार, जो कि रियल डिफिनेशन, जिस डिफिनेशन की वजह से हम किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, वो डिफिनेशन हमें इस पॉइंट से निकला. एंड दैट डिफिनेशन इज, इफ यू सी एट एनी पॉइंट, यू सी दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन. वो ये मुझे डिफिनेशन निकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की. सो एनी मोशन कैन बी सिंपल हार्मोनिक जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन, दैट यू कॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट होता है ऑन ए सेम लाइन. And second point is, acceleration is always points towards the mean position. And the magnitude of acceleration is directly proportional to displacement. But with negative sign now. Because, मैंने आपको बोला, आप कोई भी point आप ले सकते हो, then it comes out to be this. अब एक simple example आपको देता हूँ. और आप देखिए, कि जो definition मैंने आपको बोली, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन. बट यू नो इफ यू टेक दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ओके, इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम यहां पे देखेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. इस पॉइंट पे देखेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन में, इज देन एक्सेलरेशन, इज देन एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. सो एट एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट नेगेटिव साइन. अब पॉइंट ये है, जब ये पेंडुलम इस मीन से एक्सट्रीम पोजिशन पे गया, डेफिनेटली इसको अगर वापस आना है, यानी इसको रिटर्न करना है, दैट मीन्स देयर शुड बी चेंज इन वेलोसिटी. And because of change in velocity, there is an acceleration. और जो acceleration मुझे निकली directly proportional to minus times of displacement. But as per definition from the Newton's second law, F is equal to ma. Could that means F is directly proportional to acceleration. So if A is directly proportional to minus x, I can also write F is directly proportional to displacement, but with negative sign. So, अब हमने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन जो है, दैट इज दैट एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन. यू कैन कॉल देन द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक. आई विल कोट सम एग्जांपल्स
और उन एग्जाम्पल से इट मे बी क्रिस्टल क्लियर दैट विच मोशन इज सिंपल हार्मोनिक एंड विच मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक. बट रिमेंबर वन पॉइंट दैट फर्स्ट आई विल शो यू द प्रोसीजर. हाउ कैन यू चेक वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट? देन लेटर ऑन आई विल शो यू टेक्निक्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल लेक्चर जिसमें आप नियर अबाउट मतलब 30 सेकेंड तो बहुत ज्यादा है, 10 सेकेंड भी ज्यादा है, 2 या 2-3 सेकेंड में आप न्यूमेरिकल कर सकते हो इस पोर्शन. देखिए लेकिन पहले आप अंडरस्टैंड करिए प्रोसीजर से, बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर देन द न्यूमेरिकल इज वेरी इजी. यू सी हियर, अगर मुझे देखना है y इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी, इज दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक और नॉट? तो डायरेक्टली मुझे समझ नहीं आएगा वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, क्योंकि मैंने डिफिनेशन बोली कि अगर एक्सेलरेशन, दिस इज द कंडीशन, इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन देन यू कैन कॉल द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक. अब आप देखिए लेट्स प्रूव whether this motion is simple harmonic or not. But the, in the question, displacement is given. But what we need acceleration. That means I have to differentiate this displacement two times. And you know, double derivative of the displacement, that is an acceleration. Or agar mujhe ye condition nikli, I can say that the motion is simple harmonic. Let's sit out. See, you differentiate it. Definitely I will get dy by dt is equal to a is constant, sin omega t ki differentiation hoti hai cos omega t into internal differentiation that will be omega, but dy by dt that's a velocity, so I can write v is equal to a omega cos omega t, but I need acceleration, so again differentiate, I will get dv by dt is equal to a omega is constant here, cos omega t ki aayegi minus sin omega t into internal differentiation that will be omega square, but dy by dt is acceleration, now this will be equal to minus omega square ko pehle likhenge to yahan pe bacha a sin omega t, but if you see I can write here acceleration is equal to minus omega square. What about jigar a sin omega t? That is why. Okay? Omega is a constant. So I can say acceleration is directly proportional to displacement but with negative sign. So, jo condition thi, simple harmonic motion ki, बिल्कुल मुझे मिली दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, आई कैन कॉल दिस एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इज वन एग्जांपल. इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कि कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं. देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने एक पहले एक एग्जाम्पल दिखाई साइन ओमेगा टी की, हम और एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, और मुझे देखना है वेदर द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट. Now again by procedure, you know the procedure that if acceleration is directly proportional to displacement with negative sign, you can call this a simple harmonic motion. So iska matlab mujhe fir se isko differentiate kar raha hai. So dy by dt is equal to this will be a sin omega t kya hai cos omega t into omega plus
बी कॉस ओमेगा टी की आएगी माइनस हियर साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बट डी वाई बाई डी इज द वेलोसिटी, सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज द वेलोसिटी हियर, सो आई विल डिफरेंशिएट इट अगेन बिकॉज आई नीड एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी इज इक्वल कॉस को माइनस आएगा ए ओमेगा इज ये रहेगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस बी ओमेगा ऐसे ही कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इट विल बी ओमेगा स्क्वायर, बट डी वाई बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, वहां पे बचा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी एंड दैट इज वाई, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट साइन। अगेन आई गॉट द रिजल्ट फॉर द अनदर क्वेश्चन दैट दिस मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज दे विल बी क्वेश्चन एंड ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट्स आर वेरी मच वीक इन दिस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इन द because they don't know properly how to differentiate the function, no doubt they are very much easy, but for if the question will be complicated, how can you simplify in the competitive exam? So I will show you some techniques, and believe me, with the help of that techniques you can simplify every question. So chaliye aaj hum is topic mein aaj dikhayenge hum aapko do techniques, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको और टेक्निक्स दिखाएंगे, और आप देखिए जिसको कम से कम एक दो मिनट लगा टाइम आपको टेक्निक, जब आप टेक्निक सीखोगे आपको अपना पेन भी नहीं उठाना है, सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। देखिए टेक्निक नंबर वन इज you have to remember only sine and cos functions, only sine and cos functions but in linear power, but in linear power represents SH, represents SH. I repeat, only sine and cos functions but in linear power represents SH. Because देखिए sine का जो maximum value है plus one है और sine का minimum value जो है minus one है, वो इसका मतलब ये motion जो है it's a bounded motion between max between this portion to this portion, this portion to this portion, right? So cos function का भी maximum value 1 and minus 1. So this motion is also bound motion. So that is the reason we say only sine and cos functions but linear power represents SHM. Whether multiplied by constant or not hardly matters. This is technique number one. Technique number second is summation or subtraction. या पहले हम इस technique first पेक numerical करेंगे, क्योंकि बहुत बार एंट्रेंस में पूछा भी गया है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स SH, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स SH, ए ऑप्शन इज साइन क्यूब ओमेगा टी, बी ऑप्शन इट इज कॉस क्यूब ओमेगा टी, सी ऑप्शन टेन ओमेगा टी एंड डी ऑप्शन इज साइन ओमेगा टी। देखिए जी अगर आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है देन टू सम एक्सटेंट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, बिकॉज साइन क्यूब ओमेगा की पहले डिफरेंशिएशन करनी है फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, इट सीम्स टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन
टेक्निक की वजह से हम एक सेकंड में इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला ऑनली साइन एंड कॉस फंक्शंस बट इन लीनियर पावर रिप्रेजेंट्स एसएचएम। आप यहां पे देखिए, इज इट लीनियर पावर? नो, सो इट विल नेवर रिप्रेजेंट एसएचएम। इज इट लीनियर पावर? नो, इट विल नेवर रिप्रेजेंट एसएचएम। टेन ओमेगा टी, बिकॉज आई टोल्ड यू ऑनली साइन एंड कॉस, नॉट टेन, क्योंकि टेन का वैल्यू जो है इट रीचेस अप टू इनफिनिटी, सो द मोशन इज नॉट बाउंड। सो टेन फंक्शन नेवर रिप्रेजेंट्स एसएचएम, सो इसका मतलब टेन नेवर रिप्रेजेंट्स एसएचएम। सो देयर रिमेंस ओनली वन ऑप्शन, दैट इज साइन ओमेगा टी, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो विदाउट सिंप्लीफिकेशन यू कैन डायरेक्टली से विच मोशन इज एसएचएम और नॉट, दिस इज द टेक्निक नंबर फर्स्ट। सो इंशाल्लाह बाकी हम टेक्निक्स आपको अगले लेक्चर में सिखाएंगे। थैंक्स।